राजस्थान प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं साहित्य क्लासेज, और साहित्य क्लासेज में आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी कंपलसरी के अंतर्गत संवाद सेतु का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बार बार संवाद सेतु के पाठों का प्रस्तुतिकरण और उन्हें समझाने से संबंधित बार बार आपके आदेश के मुताबिक आज संवाद सेतु शुरू किया गया है। संवाद सेतु में पांच पाठ जो आपके लिए दिए गए हैं, पांच पाठों का विवरण, और पांच पाठों में से आपके पांच ही सवाल पूछे जाएंगे। उनके अंक किस प्रकार है वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज जो अपना जो छठा पाठ है, यानी पांच पाठ, कुल 10 पाठ है, जिनमें से पांच पाठ तो आपके 11th क्लास में आ गए, और 6 से लेकर के 10 पाठ जो है वो आपके 12th क्लास में लागू किए गए हैं। उसमें से छठा पाठ है समाचार लेखन। समाचार लेखन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, समाचार लेखन का अर्थ, समाचार लेखन के प्रकार, और मानव जीवन पर समाचारों का प्रभाव, इससे संबंधित ही सवाल आपको पूछे जाते हैं और यही आपके लिए उपयोगी है। प्रिय विद्यार्थियों, 9610208295 पर भी आपके लिए ग्रुप्स का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें संवाद सेतु का जो प्रश्नों का विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है, फिर बाद में हम समाचार लेखन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पांच पाठ आपके लिए हैं, और पांच पाठों का विभाजन किस प्रकार रहेगा, पांच पाठों का विभाजन आपके लिए इस प्रकार रहेगा कि आपके इसमें से पांच प्रश्न आएंगे, और पांच प्रश्न जो आएंगे उनमें से 2 अंकों के 3 प्रश्न आएंगे, यानी 12 अंकों की परीक्षा होगी। ये 12 अंक है इसके टोटल, जिसमें से 3 प्रश्न है वो 2-2 अंकों के आएंगे यानी 6 अंक, और 2 प्रश्न है वो 3-3 अंकों का आएंगे यानी 6 अंक। तो 2 प्रश्न तो आपके बड़े आएंगे 3-3 अंकों के, और 3 प्रश्न है वो 2-2 अंकों के आएंगे, तो 12 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत ही सरल भी है। इसमें जो प्रश्न आप जैसे वीडियो देखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, आप अच्छी तरह से उनमें से लिख सकेंगे। और विद्यार्थियों के लिए एक बार में आपसे कहना चाहूंगा कि हर तरह के वीडियो जो है, यानी जो 4 विषय हैं, चारों विषयों में जैसे हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, और इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इनसे संबंधित विषयों से संबंधित वीडियोज अपलोड किए जाते रहे हैं और समय समय पर किए जाते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि परीक्षा से संबंधित जो सामग्री है वो भी आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आ जाए। तो विद्यार्थियों, आइए हम समझते हैं कि समाचार लेखन क्या है, समाचार लेखन से संबंधित ये भी इसमें से भी बड़े प्रश्न आ सकते हैं, यानी ये जो अपने पांच पाठ है, पांच पाठों में से बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, छोटे प्रश्न। छोटे प्रश्न का मतलब है कि 2 अंकों का प्रश्न भी, 3 अंकों का प्रश्न भी। तो पांच पाठों में से एक पाठ जो है आज हम पढ़ेंगे समाचार लेखन में, इनमें से 2 अंकों का या 3 अंकों का, यानी कम से कम 2 अंकों का प्रश्न तो इसमें निश्चित रूप से आएगा, तो आप ध्यान पूर्वक इसे देखें और सुने। तो चलते हैं अपन पाठ पर। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि समाचार लेखन क्या है। समाचार लेखन के संबंध में आज के संचार और सूचनाओं के डिजिटल युग में सूचना क्रांति का विकास के उच्चतम स्तर पर है। सूचना क्रांति विकास के उच्चतम स्तर पर है। कुछ ही पल में संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। हम संदेश वाहक को लाइव देख और सुन सकते हैं। आज से 2 दशक पूर्व, 2 दशक का मतलब है 20 वर्ष पूर्व, रेडियो और अखबार ही संदेश प्रेषण के लोकप्रिय साधन थे। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी संचार विभाग में क्रांति आ गई है। संचार के 3 माध्यम हैं और 3 ही हमें पढ़ने हैं, इनमें से ही प्रश्न आएंगे आपके। मुद्रित माध्यम, जिसको प्रिंट मीडिया कहते हैं, प्रिंट मीडिया में अखबार और पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें रेडियो टेलीविजन आते हैं, और न्यू मीडिया, जिसमें इंटरनेट या इंटरनेट पत्रकारिता, इससे संबंधित युक्तियां डिवाइसेज आती है। तो सबसे पहले हम मुद्रित माध्यम पढ़ेंगे, यानी प्रिंट मीडिया पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पढ़ेंगे, फिर न्यू मीडिया पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपन मुद्रित माध्यम पर। मुद्रित माध्यम देखिए क्या है। अखबार एवं पत्र पत्रिकाओं के
माध्यम से संप्रेषित संदेश मुद्रित माध्यम के नाम से जाने जाते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा है इसकी, अखबार एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संप्रेषित संदेश मुद्रित माध्यम के नाम से जाने जाते हैं। मुद्रित माध्यम में समाचार संप्रेषण के लिए 6 ककार काम में लिए जाते हैं। 6 ककार, ये प्रश्न आ सकता है, 6 ककार क्या है समाचार लेखन के लिए? 6 प्रश्न, जैसे क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, ये 6 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे का उत्तर देने की शैली को 6 ककारों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि के है ना इसमें, सभी में के आ रहा है, तो इसलिए इनको ककार के नाम से जाना जाता है। तो 6 ककार में क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, इनका उत्तर देने की जो शैली है वो 6 ककारों के नाम से जाना जाता है। समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से, क्या क्या घटक है जो समाचार लेखन में होता है? सबसे पहले होता है इंट्रो। अब जैसे आपके प्रश्न आ सकता है कि इंट्रो क्या है, जिन पंक्तियों से समाचार की शुरुआत होती है उसे इंट्रो कहा जाता है, अर्थात जो बड़े बड़े अक्षरों में जो मुख्य प्रश्न पर लिखा जाता है वो इंट्रो होता है। इसमें 6 ककारों की जानकारी एक साथ दी जाती है और इंट्रो सदा प्रभावशाली होना चाहिए। बस छोटी सी परिभाषा है। दूसरा ये प्रश्न आ सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, जिस शैली में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण तथ्यों को उसके पश्चात महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य अर्थात जो मुख्य बात है वो पहले रखी जाती है, फिर उससे थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसके बाद रखी जाती है, फिर उसके बाद रखी जाती है, इस प्रकार घटते क्रम में रखा जाता है, तो वहां पर उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इस शैली में महत्वपूर्ण घटना के वर्णन पहले किए जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली, जैसे ये पिरामिड जो बनाए जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा जो होता है उसके ऊपर ये छोटा, इस प्रकार ये पिरामिड है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा होता है वो बाद में छोटा, इसके बाद छोटा, इसके बाद, ये उल्टा पिरामिड है। अर्थात जो बड़ी सूचना है वो बड़ा, जो महत्व की बात है वो पहले और उससे छोटी उसके बाद, उससे कम महत्व की बात उसके बाद। उल्टा पिरामिड शैली के 3 स्तर होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, देखिए ये 3 स्तर होते हैं, बॉडी, समापन और स्टोरी। अब बॉडी क्या है, समाचार। समाचार बॉडी का अर्थ होता है जो समाचार लिखे जाते हैं। समापन और स्टोरी, स्टोरी क्या है, देखिए समाचारों की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। छोटी सी बात, 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि स्टोरी किसे कहते हैं, तो समाचारों की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी से आज से विस्तार पूर्वक लिखे जाने वाली खबर से है। मुख्य प्रश्न पर जो खबरें छपती है उन्हें प्राय कवर स्टोरी कहा जाता है। आपके किताब में भी लिखा हुआ है कवर स्टोरी क्या है, तो कवर स्टोरी की परिभाषा आपको देखना है तो आप लिखेंगे कि मुख्य प्रश्न पर जो खबरें छपती है उन्हें प्राय कवर स्टोरी कहा जाता है। एक बात आपकी कई बार ये पूछी जाती है, कॉलम में बंटी खबरें क्या होती है? कॉलम होते हैं अलग अलग, सामान्यतः एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं। कुछ महत्व की खबरें या कम महत्व की जो खबरें होती है वो सिंगल कॉलम में, और बड़ी खबरों को 4 या अधिक कॉलम में लिखा जाता है। एक आपके इसमें से समाचार लेखन में पूछा जाता है कि हार्ड न्यूज क्या है और सॉफ्ट न्यूज क्या है। हार्ड न्यूज, देखिए हार्ड न्यूज की परिभाषा, सामान्यतः अपराध या दुर्घटनाओं को के समाचार हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। अपराध या दुर्घटनाओं के जो समाचार होते हैं वो हार्ड न्यूज होते हैं, जैसे कहीं पर कहीं एक्सीडेंट हो गया है, या कहीं पर कोई फॉर्जरी का केस हो गया है, या कोई अन्य कोई दुर्घटना हो गई है, तो वो कौन सी न्यूज होती है, हार्ड न्यूज होती है। सॉफ्ट न्यूज, सॉफ्ट न्यूज देखिए, मानवीय संवेदना और रुचि को स्पर्श करने वाली खबरें जो होती है वो सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में आती है। ये तो जैसे हार्ड न्यूज का अर्थ होता है कि जैसे बहुत बड़ी ऐसी खबरें जो दर्दनाक हो, कोई एक्सीडेंट हो, अपराध हो, और मानवीय संवेदनाओं से संबंधित जो खबरें होती है वो सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में आती है। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में हार्ड न्यूज नहीं होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं जो होती है उनमें ये दुर्घटनाओं से संबंधित नहीं होती, क्योंकि फिर एक सूचना, जैसे साप्ताहिक पत्र है वो 7 दिनों से छपता है, एक अगर मान लो कोई दुर्घटना हो गई तो 7 दिनों में तो फीकी पड़ जाती है या उसे लोग भूलने लग जाते हैं, इसलिए उसे उसमें हार्ड न्यूज बहुत ही कम आती है। आगे देखिए, वो तो था यानी मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया। दूसरा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जब समाचार रेडियो, टीवी या केबल के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं।
रेडियो, टीवी या केबल के माध्यम से जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। इसमें समाचारों के तीन माध्यम होते हैं, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दृश्य श्रव्य। श्रव्य का मतलब होता है जिसे सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है श्रव्य माध्यम है। दृश्य माध्यम जिसे जिससे हम देख सकते हैं, यानी देख सकते हैं जिसे सुन नहीं सकते। तो देखने वाले जैसे मान लो बोर्ड है, विज्ञापन है, विज्ञापन बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, इन पर जो समाचार प्रसारित किया जाता है, जैसे जैसे मान लो ऐसे लिख करके और विज्ञापन छापा जाता है, तो वो भी एक तरह से संदेश है जिसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन नहीं सकते। तो वो होता है दृश्य माध्यम। तो एक होता है दृश्य और श्रव्य, जिसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन, टीवी जो है, टीवी पर जो समाचार होते हैं वो दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसकी महत्ता हमारे जीवन में क्या है? कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आज मानव जीवन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस माध्यम से समाचार या घटना का आंखों देखा हाल उसी रूप में बताया जाता है। यह माध्यम मानवीय स्वभाव के स्वर के शब्द के अत्यंत निकट होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो बात दिखाई जाती है जो बिल्कुल करीब होती है, अर्थात हम उसे आंखों से देख सकते हैं, उस घटना को देख सकते हैं, उस व्यक्ति को देख सकते हैं, संदेशवाहक को देख सकते हैं। तो ये मानवीय स्वभाव के अत्यंत निकट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी है, अर्थात आज जैसे मान लो अमेरिका में कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना को भी हम लाइव देख सकते हैं, अर्थात पृथ्वी पर कहीं भी जो घटना घटित हो रही है उसे हम लाइव देख सकते हैं। तो ये भौगोलिक दूरियों को कम कर दिया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस आदि संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ईमेल है, मल्टीमीडिया है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही साधन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ एक और बात पूछी जाती है कि रेडियो समाचार क्या है, रेडियो किसे कहते हैं? पहली बात तो ये, ध्वनि और शब्दों के माध्यम को रेडियो कहा जाता है। ध्वनि और शब्दों का जो माध्यम है उसे रेडियो कहा जाता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसको हम सुन सकते हैं, जिसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती। रेडियो में ज्यादा विस्तार पूर्वक खबरें नहीं होती, मुख्य मुख्य खबरें ही दी जाती है। रेडियो बुलेटिन में कम से कम समय में अधिक से अधिक खबरें कवर की जाती है। रेडियो समाचार क्या है अगर पूछा जाता है तो ध्वनि और शब्दों के माध्यम को रेडियो कहा जाता है, और रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसमें अधिक से अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती। रेडियो बुलेटिन में कम से कम समय में अधिक से अधिक खबरें कवर की जाती है। रेडियो समाचार नियत समय में सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा में श्रोता को समझ में आने योग्य समाचार प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो के बाद आता है टेलीविजन, तो दृश्य श्रव्य है। समाचार माध्यम का यह दृश्य श्रव्य माध्यम है और इसे संक्षेप में टीवी कहते हैं। यह समाचार प्रदर्शन का दृश्य श्रव्य माध्यम है। समाचार प्रदर्शन के समय संबंधित दृश्य बीच में दिखाए जाते हैं। अगर मान लो टीवी दिखाई जाती है, कहीं एक्सीडेंट की घटना है तो जहां कहीं वो एक्सीडेंट हुआ है वो फोटो भी दिखाई जाती है। इस माध्यम में दृश्यों के अनुसार समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। टेलीविजन में स्क्रिप्ट ही खबर होती है, टेलीविजन की जो स्क्रिप्ट पर जो चलते हैं वही खबर होती है। और टीवी समाचारों के गुण देखिए, इनकी विशेषताएं होती है तथ्यों पर आधारित होते हैं, स्पष्टता होती है बिल्कुल, संक्षिप्त और प्रवाहमान भाषा का प्रयोग होता है इसमें, तथ्यों का दोहरान नहीं होता, जैसे एक बात को बार बार नहीं दोहराया जाता, और विशेष विषयों से संबंधित समाचार होते हैं, यानी टीवी पर जो समाचार दिखाए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष जो समाचार होते हैं वो टीवी पर प्रदर्शित किए जाते हैं। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल्म पटकथा। फिल्म और टेलीविजन जगत में थिएटर में जो मंच पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसे पहले कागज पर लिखा जाता है और उसे पटकथा कहते हैं। अब पटकथा क्या है? टेलीविजन या थिएटर में मंच पर जो बात प्रस्तुत करना होता है उस प्रस्तुत करने वाली बात को पहले किस पर लिखा जाता है? कागज पर लिखते हैं, और कागज पर वो जो बात लिखी हुई होती है वही पटकथा है, यानी उससे संबंधित उस कथा को पट यानी पर्दे पर कथा जिसको जिस कथा को पर्दे पर प्रस्तुत किया जाना है उसे पहले कागज पर लिखा जाता है। कागज पर लिखे संवादों को निर्देशक के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जिससे एक एक दृश्य जीवंत हो उठते हैं, एक एक दृश्य जीवंत हो उठते हैं। फिल्म या टीवी कार्यक्रम के तीन चरण होते हैं, कहानी लिखना, पटकथा, संवाद। पहले कहानी होती है, फिर कहानी के आधार पर उसे कागज में
अपने प्रस्तुतिकरण के हिसाब से पटकथा लिखी जाती है, फिर डायलॉग लिखे जाते हैं, संवाद लिखे जाते हैं। पटकथा के आवश्यक चरण क्या, देखिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है, निर्देशन होता है, अर्थात एक निर्देशक के सानिध्य में पटकथा स्क्रिप्ट लिखी जाती है। रचनात्मकता और भाषा, अब जैसे मान लो निर्देशक जो है वो जिस भाषा में या जैसी भाषा में आपको लिखने को कहता है, राइटर उसी भाषा में अर्थात राइटर है वो लिखता है। संवाद होते हैं इसमें, और पटकथा लेखन की निर्देशिका, पटकथा लेखन की निर्देशिका अर्थ है कि जैसे अपने हिंदी में तो इस प्रकार की कोई निर्देशिकाएं नहीं है, लेकिन अंग्रेजी जो है इंग्लिश में पटकथा लिखने के बहुत सारी बुक्स है वो मिल जाती है, लेकिन हिंदी में पटकथा लेखन के लिए कोई विशेष बुक है वो नहीं मिलती है। इसका तीसरा वो जो भाग है वो है न्यू मीडिया, जो कि आज भी चर्चा में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी तेज त्वरित माध्यम है जिसे न्यू मीडिया नाम दिया गया है। न्यू मीडिया के लिए इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता आवश्यक है। ये था आपके समाचार लेखन, अर्थात समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं, और इससे संबंधित आपके इनमें से 2 अंकों का या 3 अंकों का प्रश्न है वो निश्चित रूप से आएगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रश्न है वो अच्छी तरह से उसका उत्तर आप दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके पाठ समझ में आया होगा, और अगले पाठ के इंतजार तक जय हिंद, जय भारत।